हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू हायर का फ्रिज का। ये हायर का फ्रिज है, काफी अच्छा कूलिंग करता है। हायर का फ्रिज अभी ट्रेंडिंग में फ्रिज चल रहा है, जो कि कम प्राइस में बढ़िया वर्किंग, बढ़िया कंप्रेसर मिल जा रहा है। इसका ये कलर का बात करें तो ये ब्राउन कलर में है, और इसका साइज की बात करें तो ये 4 फुट में इसका साइज है। इसका रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टार रेटिंग मिल जा रहा है, जो कि ये कंप्रेसर इन्वर्टर है विदाउट स्टेबलाइजर। यानी स्टेबलाइजर लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, ये स्टेबलाइजर के बिना भी चल जाएगा फ्रिज। काफी प्यारा कलर है, रिच ब्राउन कलर में है। यहाँ पे मिल जा रही है हायर की ब्रांडिंग, और मिल जा रहा है यहाँ पे हैंडल, जो कि काफी कंफर्टेबल है। नीचे इसके जस्ट मिल जा रहा है लाकर, और अंदर का स्पेस की बात करें तो 175 लीटर फ्रिज में काफी ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है। जो कि इसके अंदर कलर की बात करें तो ये ब्लू, डार्क ब्लू टाइप में अंदर आएगा, जो कि गंदा नहीं होता है। इसके विंडो में देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है, जो कि आप अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसमें दे रहा है बर्फ वगैरह जमाने के लिए, और इसमें मिल जा रही है इसकी कुंजी, जो कि फ्रिज को लॉक करने के लिए। यहाँ पे मिल जा रहा है ऊपर डिफ्रीजर, यहाँ पे मिल जा रहा है टेम्परेचर सेटिंग, एक कंपनी से ऑलरेडी सेट आता है। आपके यहाँ लाइट नहीं है, यानी 10 से 12 घंटा लाइट आती है तो इसको कूल कर सकते हैं। यदि 15 से 20 घंटा आपके यहाँ लाइट रहती है तो इसका टेम्परेचर ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे अभी सेट है, ठीक है। यानी ये सेट है 4 पे, तो 4 पे ही छोड़ देंगे 15 से 20 घंटा आपके यहाँ लाइट रहती है। तो यहाँ पे मिल जा रहा है इसका ऑटो कट लाइट, जो कि विंडो ओपन करेंगे तो ये लाइट इसमें जल जाएगी, और विंडो को जैसे ही बंद करेंगे लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, जो कि यहाँ से ये दिया है जो एक्स्ट्रा, इसी से ये दब जाती है। जब विंडो ओपन करते हैं ऐसे तो दब जाती है। नीचे मिल जा रहा है सब्जी स्टोर करने के लिए, यहाँ से 12 से 14 किलो सब्जी स्टोर कर सकते हैं इसमें, और ऊपर आप बोतल वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे मिल जा रहा है देख सकते हैं फूड वगैरह रखने के लिए, और ऊपर डिफ्रीजर, जो कि चिल्ड कर देता है 30 या 40 मिनट के अंदर में बर्फ जमा देता है। कोई भी चीज रखेंगे तो बर्फ जमा देगा। तो हायर का फ्रिज है, इसकी प्राइस की बात करें तो ये 10,000 रुपये में मिलेगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन का बात करें तो 11,000 के आसपास में मिलेगा। 2 स्टार रेटिंग है, कंप्रेसर इन्वर्टर है, यानी ये फ्रिज इन्वर्टर से भी चल जाएगा विदाउट स्टेबलाइजर। विदाउट स्टेबलाइजर यानी इसमें स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी ये बहुत ही कम वोल्टेज पे चल जाएगा। 180 वोल्ट आपके यहाँ है तो फिर भी ये उठा लेगा, यानी ये इन्वर्टर से फ्रिज चल जाएगा। तो काफी अच्छा इसका रेटिंग है, सबसे ज्यादा हायर में फ्रिज बिकता है तो यही बिकता है। सादा में 175 और 185, इसके थोड़ा सा बड़ा साइज आता है 185, जो कि 500 रुपये का डिफरेंट आता है। 2 स्टार रेटिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्रिज है, आपको लेना हो तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब।